जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग के उन कॉन्सेप्ट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन तक बता दिया था, आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे बिजनेस को या फिर मान के चले कि जो भी हमको अकाउंटिंग करना होगा, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा अवधारणा है जिसको हम समझ करके अकाउंटिंग करेंगे, वही सारा का सारा आज की क्लास में आपको पढ़ना है। मतलब बिजनेस के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाए। तो वही कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझना है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है। और कह रहा है कि जिसे मनी कहा जाता है और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके, और कह रहा है कि उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इम्प्लाई सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। देखिए बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। जैसे अगर हम कोई दुकान करते हैं तो उसमें कई सारे कस्टमर हमारे दुकान पे आते हैं। जैसे मान के चलिए कि कई सारे कस्टमर आते हैं, उसमें से चार कस्टमर ऐसे थे जो हमारे दुकान पे आए, चारों हमारे दुकान पे आए, लेकिन दो लोगों ने क्या किया, बस प्रोडक्ट का मूल्य पूछा कि कितने रुपए का प्रोडक्ट है, केवल पूछा और बोला कि ऐसा है कि हम कल आकर के आपकी दुकान से खरीदेंगे। लेकिन दो ऐसे कस्टमर मिल गए जो हमारे दुकान से प्रोडक्ट क्या कर लिया, उन्होंने खरीद लिया। तो जब दो लोगों ने खरीदा तो सिंपल सी बात है, कुछ मनी रिसीव हमको हुआ होगा, मनी प्राप्त हुआ ही होगा, तो उसी का हम क्या करेंगे, उसी का अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन जो दो लोग मतलब हर तरीके से एक्सेप्ट करके गए हैं कि कल की डेट में हम आएंगे तो माल खरीदेंगे, तो उसको हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे, नहीं टाइप करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में टाइप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो मान के चले कि अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आते हैं एडमिशन कराने के पर्पज, तो मान के चले कि अगर सारे बच्चों का एडमिशन हो जाए, मान के चलिए कि पांच बच्चे एक दिन में, मान के चलिए कि दस बच्चे मतलब कोर्स के बारे में पता करने के लिए आया, उसमें से मात्र आठ ही बच्चे जो है, उसमें से मात्र दो ही बच्चे एडमिशन ले सके, और आठ बच्चे बोल दिए कि ऐसा है कि सर हम जो है जनवरी महीने में आएंगे तो अपना एडमिशन लेंगे, तो रसीद किसका बनाएंगे, जो दो बच्चों का एडमिशन हुआ। रजिस्ट्रेशन किसका करेंगे, जो दो बच्चों का एडमिशन हुआ। जो बच्चे सेटिस्फाइड होकर के चले गए हैं, क्या उनका हम कोई रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसलिए क्योंकि वो अभी वो केवल सेटिस्फाइड होकर के गया है, हो सके कि वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा भी सकता है या हो सके तो एडमिशन नहीं भी करा सकता है। वही बात इसमें कह रहा है कि इसमें सर्टिफिकेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस से सामान खरीदता है, बाकी सबको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। और कह रहा है यहाँ पे केवल इस अमाउंट को, मतलब कितने रुपए का मैंने एक दिन में किसी गुड्स को सेल किया है, केवल उसी का रिकॉर्ड हम मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेशन का रिकॉर्ड इसमें मेंशन नहीं करते। हाँ, अपनी समझने के लिए आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारी कितने इंक्वायरी आई थी, ताकि आप उसको फॉलो अप करें, एडमिशन देगा तभी तो आप उसका डेटा बनाएंगे, तभी तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे कि केवल पूछ के गया और आप उसका रसीद बना देंगे। तो जब तक पैसा नहीं देगा, जब तक वो रेगुलर पढ़ने नहीं आएगा, तब तक हम उसका एडमिशन नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है इसमें कह रहा है, यही सेम सेम हमारे बिजनेस के साथ भी होता है। कह रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इम्प्लाई सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड होकर के गया है, हो सके कि उससे भी सस्ता उसको कहीं प्रोडक्ट मिल जाए
तो हमारा दुकान छोड़ करके कहीं और दुकान वो अच्छा खरीद सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसका वहां बनेगा ना, हमारे वहां तो बनेगा नहीं क्योंकि हमारे वहां से केवल पूछ करके हो गया। और कह रहा है कि रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, मतलब वो संतुष्टि को हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे बिजनेस में वो आएगा नहीं, जब तक कुछ पैसा देगा नहीं, तब तक हमको मनी मेजरमेंट नहीं होता है, मनी रिसीव नहीं होता है। और जब मनी रिसीव होगा नहीं तो हमें एंट्री किसका करेंगे। अब चलिए अगला दिया है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या दिया है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब हमारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से हैंड ओवर नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है, उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। हम हमेशा ही इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मान करके ही अकाउंटिंग करेंगे। मतलब अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें दो एंटिटी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है, और कह रहा है कि अपने ऑनर के बिल्कुल अलग एंटिटी है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है। एक एंटिटी आपका बिजनेस हो गया और एक एंटिटी आपका अकेला बिजनेस का प्रोपराइटर हो गया, अब मालिक हो गया, और एक एंटिटी हमारा बिजनेस हो गया। दोनों को अलग अलग मान करके ही हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस को करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। कह रहा है यहाँ पे ये हमें हम कह रहा है कि हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग मान करके, अलग अलग एंटिटी मान करके ही हम अकाउंटिंग करेंगे कि हमारे बिजनेस का प्रोपराइटर है तो वो भी हमारे बिजनेस में एंटिटी है, और हमारा बिजनेस है तो वो भी हमारे बिजनेस का एंटिटी ही है। दोनों लोगों को जब हम अलग अलग मानेंगे तभी हम अपना अकाउंटिंग कर सकते हैं, एक बिजनेस का प्रोपराइटर और दूसरा आपका बिजनेस। अगला क्या दिया है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज मान करके ही करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर हम पहले ही लॉस मान जाए तो क्या बिजनेस कर पाएंगे? तो बिजनेस के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस में लॉस नहीं होगा, हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। कोई भी आदमी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, मतलब उससे नहीं, स्टार्टिंग में अगर वो मान ले कि हमको बिजनेस मात्र एक ही 2 महीना करना है तो बिजनेस कर पाएगा। कोई भी बिजनेस आदमी करता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम पूंजी लगाता है, लेकिन उसके बिजनेस में प्रॉफिट होने लगता है तो अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते जाता है, और जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, इनकम भी हो सकता है एक्सपेंस भी हो सकता है, ये दोनों हमारे बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास क्या होता है, मतलब बिक्री चलने लगती है, उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है, वो अपने बिजनेस समोसा को को और भी आगे खाने बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कोई नहीं मानता है लगाओ, कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा, सबको इसी पर्पज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा बिजनेस साथ देगा। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम ये मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होगी। अगर हमारा बिजनेस सही तरीके से चलेगा तो हम बंद क्यों करेंगे, है ना? मतलब ये पहले ही हम गेस नहीं करेंगे कि निकट भविष्य में हमारा बंद, मतलब बिजनेस बंद हो सकता है, ये चीज मान करके हम करेंगे कि हमारा बिजनेस समय तक चलेगा। और फिर कह रहा है कि इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये ऐसा एक्टिविटी है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यू चलता है, सतत चलता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होता है, जब से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होगा तब तक हम ये निगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, अपने बिजनेस को हमेशा हम आगे की तरफ लेके जाने का काम करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि यहाँ ये ज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई प्लांट स्थापित कर दिया गया,
कोई बहुत बड़ा सा प्लांट लगा दिया गया, उसमें बहुत सारे इंप्लाइयों की भर्ती कर दिया गया, अगर वो पहले ही मान ले कि हमको मात्र 1-2 महीना चला करके बंद कर देना है, तो क्या उसका बिजनेस ग्रो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो वो क्या करता है कि वो जब अपना प्लांट या मशीनरी का प्रयोग अपने बिजनेस में करता है, तो ये चीज मान करके कर रहा है कि अगर हम अपने बिजनेस में इतना बड़ा प्लांट हम बैठा रहे हैं या इतना बड़ा मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक जाएगा, ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक जाएगा। और जब लंबे समय तक जाएगा तो सिंपल सी बात है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। मतलब ऐसा निगेटिव किसी बिजनेसमैन के अंदर नहीं आता है कि हमारा बिजनेस बहुत कम ही समय तक चल करके बंद हो जाए। यही आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है लागत, मतलब कितना पैसा आपने अपने बिजनेस में खर्च किया, कितना पैसा आपने बिजनेस में लागत लगाया है। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा यार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम कितना लागत लगाए हो, तुम कितना कॉस्ट अपना लगाए हो, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट तुम किए हो। तो वो क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है? कह रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान करके ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर का 50,000 में खरीदा है, तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कॉस्ट के बारे में मतलब ये होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस में हम लेके आते हैं, जैसे इसमें फर्नीचर की बात कहा गया, जैसे मान के चलिए कि अपने बिजनेस में मैंने फर्नीचर लाया कितने रुपए का, 50,000 रुपए। तो ऐसा नहीं कि 2023 में मैंने 50,000 रुपए का फर्नीचर लेके आया तो 2 साल बाद उसका हम 1,00,000 रुपया दिखाएं, 50,000 ही दिखाएंगे। 50,000 रुपए मैंने लागत लगाया था अपने बिजनेस में। जो हमारा मूल्य होता है, जो हमारा कीमत होता है, उसी को हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल एंट्री मान करके एंट्री करनी होती है। तो मतलब मैंने कितने रुपए का खरीदा था, वो भले से आप 2 साल 5 साल 4 साल बाद अगर आप बेचते हैं, तो भले से आपका प्रोडक्ट सही है, तो हो सके कि 50,000 से ज्यादा भी ना, लेकिन कब, तो जब आपका प्रोडक्ट सही रहेगा तब, या हो सके कि 50,000 से कम भी दाम मिल सकता है, लेकिन एंट्री क्या करेंगे, 50,000 की ही एंट्री करेंगे, क्योंकि आपने बिजनेस में उतना ही पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लगाया। अगला क्या दिया है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या दिया है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। वैसे आपको हम जरूर एंट्री बताएंगे 2 साल की, लेकिन पहले आप ये समझिए कि कोई भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन आप करते हैं, इसके मात्र दो ही पक्ष होते हैं। कौन कौन सा? तो कह रहा है कि पहला डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। एक पक्ष का नाम आपका डेबिट पक्ष होता है और दूसरा पक्ष का नाम आपका क्रेडिट पक्ष होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि अगर डेबिट साइड की वैल्यू 50,000 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 50,000 ही आनी चाहिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपका यह भी है कि जब तक दोनों मैच नहीं करेगा, तब तक आपका अकाउंटिंग सही नहीं हो सकता। यानी कि डेबिट बराबर आपका क्या होता है? क्रेडिट होता है। और यहाँ पे बता रहा है, एक एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, करा है कि व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसे हम कैश से अपना कोई गुड्स मैंने सामान खरीदा, करा कि इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। तो जिस तरीके से आपने किसी गुड्स को आपने परचेज किया, तो उतना पैसा आपने दिया तभी उसका प्रोडक्ट आपने पाया, तो सेम उसी तरीके से जितना आपका डेबिट हुआ, उतना ही आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, 20,000 रुपए लगा करके और मैंने कंप्यूटर खरीदा, एक मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको, 20,000 रुपए लगा करके और मैंने अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीदा, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करिए। 20,000 रुपए लगा करके मैंने अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीदा, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? मैंने बताया इसको, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? नहीं बताया। क्या क्या बनेगा? एक कंप्यूटर का बनेगा और एक
कैश का बनेगा, तो दोनों किस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे? किस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे दोनों? टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत। और किसी को नहीं पता है? रियल में कैसे आएगा? कैसे आएगा बता दो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना मैं मना कर दिया रियल में नहीं आएगा, रियल में आएगा तो कैसे आएगा? और कोई जानता है इस चीज को? खड़े जाओ, बताओ बताओ। और किसी को? बैठ जाओ। देखिए मैंने 20,000 रुपए लगा करके और अपने बिजनेस में मैंने क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। और कंप्यूटर खरीदा कैसे जा रहा? कैश से खरीदा जा रहा है। तो कैश भी रियल अकाउंट है और आपका कंप्यूटर भी रियल अकाउंट है। अब दोनों में समझना है कि अपने बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो अगर हम परचेज करेंगे तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आएगा कि जाएगा? तो फिर क्या जाएगा? कैश जाएगा। जो तो मैंने आपको रियल अकाउंट में बताया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो धन वस्तु व्यापार से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है, उसके बदले में कैश जा रहा है। तो अगर कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और उसके बदले में कैश जा रहा है तो कैश का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या है? 20,000 रुपया मैंने खर्च किया तभी तो हमको कंप्यूटर मिला। यानी कि जितना रुपए का मैंने मतलब सामान खरीदा था उतना रुपया मैंने पैसा पेमेंट किया तब उसके बदले में हमको सामान मिला। यानी कि जितना आपका डेबिट का अमाउंट उतना ही आपका क्रेडिट का है। वही बात इसमें कह रहा है कि दोनों अमाउंट हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वैल्यू हमारे बराबर होते हैं। अब चलिए अगला दिया हुआ है प्रियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या दिया है? प्रियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निश्चित समयांतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए। मैंने क्वार्टर के बारे में बताया था, एक साल में कई गो क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो जैसे बिजनेस हमारा, अगर जैसे मान के चले कि मैंने बिजनेस जो किया है, अगर हमारा बिजनेस लंबा है, अगर हमारा बिजनेस लंबा है तो 31 मार्च 2024 को हमें क्या करेंगे? स्टेटमेंट तैयार करेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। लेकिन अगर हमारा बिजनेस उतना बड़ा नहीं है तो क्या, अगर हम चाहेंगे तो 3 महीने में प्रॉफिट और लॉस नहीं देख सकते हैं? इसके लिए कह रहा है कि इसको शॉर्ट टर्म में बनाया गया है, मतलब 3 महीने में भी आप देख सकते हैं और प्लस 1 साल में भी आप अपना रिपोर्ट जांच कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं अपना बिजनेस को चलाने के लिए और एक ही बार अपने बिजनेस को मेजर कर रहा है और एक ही बार अपने बिजनेस का स्टेटमेंट 1 साल बाद वो तैयार कर रहा है, पता ये चलेगा कि उसके बिजनेस में 50,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। पता ये चलेगा कि 50,000 रुपए का लॉस होगा और उसके पास उतना पूंजी नहीं है तो वो ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलिए, अगर वही बिजनेस को जो है अपना 3 महीने पे हैंड ओवर करके वो देखता रहे कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, वो कंपेयर करता रहे, तो बाद में उसके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने बिजनेस को आसानी तरीके से चला सकता है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि हम 3 महीने पे भी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और 1 साल पे भी अपने बिजनेस को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अगला क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसे कि इनवॉइस हो गया, वाउचर हो गया, उसके आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट ऐसे होना चाहिए जिसमें जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में भी एविडेंस के रूप में रखा जा सके। एक लीगल करिए, क्या करना चाहिए? लीगल बिजनेस करना चाहिए।
मतलब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे बिजनेस में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होते क्या क्या हैं, तो जैसे आपका इनवॉइस हो गया, आपका बाउचर हो गया, ये सब ऐसे एविडेंस होते हैं, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं। और जरूरत पड़ने पे, जैसे अगर इसको कोर्ट में भी अगर पेश करना हो, अगर नियम के रूप में अगर हमको दिखाना हो, तो भी हम दिखा सके कि हमारा बिजनेस लीगल के रूप में है, इनलीगल हमारा बिजनेस नहीं। तो इसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है, इसके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। ये डॉक्यूमेंट और ये एविडेंस जब तक हमारे पास नहीं रहेगा, हम अपने बिजनेस को लीगल बिजनेस नहीं मान सकते। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ तक पूछेंगे, है ना, यहाँ तक हम पूछेंगे, पढ़ के आइएगा शुरू से नहीं तो लास्ट से। अच्छा।